तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है जानते हैं? तत्पुरुष का मतलब क्या होता है? तत् माने वह, पुरुष माने जैसा, वो जैसा, उस जैसा, उसके जैसा। यहां पर इसका भेद जो चलता है विभक्तियों के आधार पर चलता है। किसके आधार पर चलता है? विभक्तियों के आधार पर चलता है। और विभक्तियां कितनी होती हैं आपको पता है? कितनी होती है? मेरे 5.5। अच्छा बोले ही नहीं थे। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7। 7 विभक्तियां होती हैं। अगर हम बात विभक्ति की करें तो इनकी ऊपर 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 7। और अगर बात कारक की जाए तो कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। अगर बात कारक की जाए तो कारक होते हैं 8। आओ हम लोग थोड़ा देखते हैं विभक्ति के आधार पर इनके भेद। तत्पुरुष समास के विभक्ति के आधार पर भेद कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं, लेकिन प्रथमा विभक्ति का हम भेद कभी भी नहीं पढ़ते और ना ही उसका भेद कभी माना जाता है। इसके अलावा कुछ और भेद होते हैं जिनको हम अलग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम इन 6 वेदों को अच्छे से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग नंबर 1 और यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय, या तो कहेंगे इसको हम द्वितीय तत्पुरुष समास, या फिर इसका जो कारक होता है वो कर्म कारक होता है। यह होती है हमारी विभक्ति, विभक्ति, और यह है हमारा कारक। तो या तो कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास या फिर कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म का जो चिन्ह होता है, कर्म का जो चिन्ह होता है वो होता है को। अब ऐसे उदाहरण हमें लेने हैं जिनमें को चिन्ह को लोप करके शब्दों का निर्माण किया गया हो। जैसे क्या हो सकता है? मिठ बोल। क्या होगा? मिठ बोल। इसका मतलब होता है मीठा बोलने वाला। इसका मतलब क्या होता है? मीठा बोलने वाला। मिठ बोल का मतलब मीठा। तो बोल कैसे है उसके? मीठे है। और क्या हो सकता है? गगन चुंबी। गगन चुंबी। गगन, अब गगन चुंबी का मतलब क्या है? गगन को, मीठे बोलों को मुंह नोचवा। मुंह नोचवा का मतलब क्या हुआ? मुंह को, बहुत पहले चला था, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, है ना। तो इसमें क्या है? को सब निकल रहा कि नहीं निकल रहा? कठ फोड़वा, इस उदाहरण को कई बार पूछा गया है। कठ फोड़वा, कठ फोड़वा का मतलब क्या होता है? एक पक्षी होता है जो आप कहीं देखोगे कि बैठा होता है काठ पर, मतलब लकड़ी पर, और उसमें खट 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 अपनी चोंच से बराबर बराबर वो प्रहार करता है, जिससे कि वो काठ टूटती है और उसके अंदर अपने परिवार को वो बनाता है। तो कट फोड़वा का मतलब होता है काठ को फोड़ने वाला एक पक्षी, इसे क्या बोलते हैं? तो क्या आप द्वितीय तत्पुरुष समास को अच्छे से समझ पाए? कोई समस्या तो नहीं है? तो आओ अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे कहां? तृतीय, अर्थात अब हम यहां पर लिख सकते हैं क्रम में हमारा नंबर 2 आ जाएगा और यहां पर तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे हम तृतीय का कर्ण क्या होता है, कारक क्या होता है? कर्ण कारक, कारक रहेगा इसमें कर्ण। और इसमें चिन्ह होता है से भी होता है, ने भी होता है और द्वारा भी होता है। हम कह सकते हैं ने से द्वारा। इनमें से किसी भी एक पद को, एक चिन्ह को अगर लोप कर दिया जाए और शब्दों को मिलाकर बोल दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? आपका तृतीय तत्पुरुष समास, या फिर कहलाएगा ये कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक, कैसे? मैं किससे लिख रहा हूं? पेन से। तो लगाओ है ना, तो जिन जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उनमें भी तृतीय रहता है। अकाल पीड़ित, इसमें एक आता है बहुत उदाहरण एक पूछा जाता है अकाल पीड़ित, इसका मतलब क्या हुआ? अकाल से पीड़ित, भूख मरा, भूख मरा, भूख मरा का मतलब क्या होता है? भूख से, तो कुछ से चिन्ह आ रहा है। अगर भूख ना लगी होती, भूख से उसका लगाव ना होता तो नहीं मरता।
अकाल से पीड़ित न होता, रोग ग्रस्त, रोग तो इसमें क्या हो गया, रोग से, रोग उसको लगा हुआ है, लगाव है ना, रोगेण ग्रस्ता सा रोग ग्रस्ता, मतलब रोग उसको क्या है परेशान कर रहा है। राम जी राम जी। अब अगला हम क्या देख सकते हैं, रोग ग्रस्त के अलावा और आपके दिमाग में अगर कोई उदाहरण आ रहा है तो बताएं, कोई उदाहरण आ रहा है आपके दिमाग में, बोलो 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 जल्दी बोलो। जैसे हस्तलिखित, हेमाच्छादित, हेम से आच्छादित, हेम माने क्या होता है स्वर्ण, मेघाच्छादित, मेघाच्छादित का मतलब क्या होता है मेघ से आच्छादित, ठीक, प्रकाश युक्त, बहुत बढ़िया, प्रकाश से युक्त, प्रकाश युक्त। अब क्या आप तृतीय को समझ पाए, कोई समस्या तो नहीं है, पक्का, कसम से, ठीक। अभी हम बात करेंगे नंबर तीन पर जो हमारा आता है उसको कहेंगे हम चतुर्थी, चतुर्थी तत्पुरुष समास, अथवा इसी बात को और क्या कह सकते हैं हम, संप्रदान तत्पुरुष समास, क्या कहेंगे संप्रदान। अब यहां पर संप्रदान का मतलब क्या होता है, सम माने होता है बराबर, प्राह उपसर्ग, संभी उपसर्ग है, प्राभि उपसर्ग है, और दान मूल शब्द है इसमें, दान का मतलब होता है किसी चीज को कोई किसी व्यक्ति को कोई वस्तु देना, जब हम किसी को कुछ देते हैं आदान प्रदान करते हैं विनिमय करते हैं तो वहां पर आता है आपका संप्रदान, तो यहां पर आता है के लिए चिन्ह, क्या आता है यहां पर के लिए चिन्ह आता है। अब के लिए क्या है, जैसे मार्ग व्यय, क्या कह सकते हैं हम यहां पर, मार्ग व्यय, रास्ते के लिए भोजन, या कुछ भी पैसा, भाई हम लोग कहीं पर रिश्तेदारी में जाते हैं तो हमारे माता पिता हमें क्या देते हैं, मार्ग व्यय, रास्ता खर्च देते हैं, तो उसको कहते हैं हम मार्ग व्यय। हवन सामग्री, हवन सामग्री, इसका मतलब क्या हुआ, हवन के लिए सामग्री, के लिए आया ना चिन्ह, हवन को दान करने के लिए सामग्री, हवन सामग्री। पशु आहार, पशु आहार, तो पशु आहार, पशु के लिए दिखाते हैं, कपिला पशु आहार आता है, जो भी चीजें आप इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे अश्वशाला, जहां वो स्थान जो घोड़ों के लिए दे दिया गया, गौशाला, गायों के बांधने का स्थान, गायों के लिए स्थान गौशाला, औषधालय, औषधियों को रखने के लिए आएगा, देवालय, देवताओं को रहने के लिए दे दिया, देवालय, देवताओं को रखने के लिए या देवताओं के रहने के लिए, ठीक ले लेंगे स्थान, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा आपका देवालय। क्या चतुर्थी समझ में आया जी, कोई समस्या तो नहीं है चतुर्थी में। अब हम लोग बात करेंगे पंचमी तत्पुरुष समास की, किसकी, पंचमी, अथवा इसको हम क्या कह सकते हैं, अपादान तत्पुरुष समास, या तो कहेंगे पंचमी तत्पुरुष समास, अथवा इसको क्या कहेंगे, अपादान तत्पुरुष समास। यहां पर चिन्ह होता है से, लेकिन ये किसके लिए होता है, अलगाव के लिए होता है। ऐसा कोई है जिसको समस्या हो रही है समझने में, भाषा शैली ठीक ठाक है तो फिर बात ना करिए, ठीक। अपादान का मतलब होता है अलगाव, और यहां पर चिन्ह कौन सा रहेगा, से रहेगा। अब देखे से दो जगह पर आया, हमने कहा पेन से लिख रहा हूं तो लगाव है, हमने कहा पेन हाथ से छूट गया है तो क्या हो जाएगा, से दोनों जगह पर है, बस हमें बौद्धिक रूप से इतना परिपक्व होना है, इतनी बात को समझ लेना है कि कहां पर लगाव है और कहां पर। जब विषय वस्तु कोई स्थिर हो और स्थिर विषय वस्तु से कोई भी विषय वस्तु से दूर जाए हटे तो वहां पर अलगाव होता है, ठीक। जैसे हम कह सकते हैं पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, अब भ्रष्ट का मतलब होता है अलग, जो पथ है माने मार्ग, मार्ग नहीं अलग होता है, व्यक्ति उससे अलग हो जाता है।
जैसे मैं कहता हूँ यार इस समय पर तो ये व्यक्ति एकदम अपने मार्ग से हट चुका है, तो उसको कहते हैं पथभ्रष्ट, गुमराह व्यक्ति। ठीक, पथभ्रष्ट। और क्या कह सकते हैं? ऋण मुक्त। ऋण से क्या है? वो मुक्त है, अलग हो गया ना। और अगर कहा जाए ऋण युक्त तो क्या हो जाएगा? ऋण युक्त तो आता हो जाएगा ये कर्ण में, तृतीय में चला है, क्योंकि ऋण से युक्त है, ऋण लगा है उस पे। और ऋण मुक्त का मतलब ऋण से छुटकारा मिल गया, अलगाव हो गया ऋण से। तो ऋण युक्त और ऋण मुक्त, तो ऋण मुक्त कहां होगा? पंचमी में। और ऋण युक्त कहां होगा? तृतीय में। अंतर रहेगा दोनों में। ठीक, तो मुक्त जितने भी हैं, रोग मुक्त, बंधन मुक्त, तो मुक्त शब्द आप जिनमें लगा दीजिएगा वो सब किसमें आ जाएंगे? आप आ जाएंगे, बस इतना ही समझ लीजिए। एक आता है पदच्युत शब्द, आता है पदच्युत। पदच्युत का मतलब होता है अलग। ठीक, और इसमें अगर आ उपसर्ग लगा दिया जाए अच्युत, अच्युत का मतलब क्या हो जाता है? अच्युत कहते हैं विष्णु को। आपने वो पढ़ा या कुंडेन्दु तुषार या सुब्रवस्तावता, या सुब्रम वस्त्रावता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदितां सामं पाद सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। तो ब्रह्मा अच्युत या ब्रह्माच्युत शंकर, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो अच्युत माने होता है शिव विष्णु। और केवल आप हटा दो च्युत शब्द अपना तो क्या होगा? इसका मतलब गिरा। पदच्युत पद से हट गया, डिमोशन, एक प्रमोशन होता है, तो पदच्युत का मतलब होता है पद से हटा हुआ, गिरा हुआ, अलग, नष्ट, भ्रष्ट। तो भ्रष्ट भी किसमें लगा? जैसे बुद्धि भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, नीति भ्रष्ट, भ्रष्ट शब्द जिसमें आप लगा दीजिए वो पंचमी हो जाएगा। मुक्त शब्द जिसमें लगा दो, चित्त शब्द जिसमें लगा दो, ये शब्द किसमें चले जाएंगे? सबके सब पंचमी में चले जाएंगे। ठीक, और पंचमी में कौन कौन जाते हैं बताओ? अगर आपको पता बोलो, बोलो जल्दी बोलो। है हीन शब्द, जैसे हीन शब्द का प्रयोग अभी नहीं किया है, जैसे बुद्धिहीन, धनहीन, ज्ञानहीन, शब्दहीन, हीन शब्द क्या लगाएंगे? बुद्धिहीन। जितने शब्दों में आप हीन लगा दोगे वो सब के शब्द कहां जाएंगे? पंचमी में चले जाएंगे, सबके सब शब्द पंचमी में चले जाएंगे। इसके बाद में एक बहुत बढ़िया उदाहरण है भीत। भीत का मतलब होता है डरना। जब हम किसी से डरते हैं तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति रहती है? भाई हम कभी चाहते हैं कि जिससे हम डरते हैं उसके हम पास जाएं? नहीं ना, हम अलग होना चाहते हैं। किससे डरते हो इतना? गुरु भीत, गुरु भीत। सबसे ज्यादा डर या तो माता पिता से लगता है या फिर गुरु से लगता है। छोटे बच्चे जो होते हैं पिता से बहुत डरते हैं, माँ से उतना नहीं। माँ को तो कहो झोर ले पता नहीं छोटी वोटी खींच लेते हैं, क्यों? स्वाभाविक लालन पालन माँ करती है, तो माँ तो जानती है कि बच्चा जैसा भी है, लेकिन पिता के पल्ले पड़ गए तो दो चार कम सीट देंगे वो। ठीक, और उसके बाद डर कहाँ लगता है ज्यादा? या तो पिता से या फिर गुरु से। प्राइमरी में जब पढ़ते हो गए मुझे पता है, कहो भले ना। हाँ, प्राइमरी से कक्षा छह सात आठ तक जब आप पहुंचते हो वहां तक एक भय होता है। क्या भय होता? यही वाले गुरुजी आज आए, यही होता है आज ना आए। और जिस दिन मन नहीं करता पढ़ाई का उस दिन तो यही दुआ करते हैं। तो गुरु भीत, गुरु से डर। और जिनसे डर होता है हम उनसे क्या होना चाहते हैं? और जिनसे लगाव होता है उनसे हम। तो गुरु भीत, सिंह भीत, चौर भीत, भीत शब्द अगर लगता है जहां जहां भी डर वाला शब्द आ जाए, चौर भयम, कौन सा समास रहेगा? पंचमी तक पुरुष समास रहेगा, अपादान तक पुरुष समास रहेगा। चौर भयम, सिंह भय, शेर से डरता है ना व्यक्ति, तो इनमें कौन सा रहेगा? पंचमी रहेगा।
तो जितने भी अलगाव वाले हैं और जितने डर वाले हैं, जिनसे डरो वहां पर पंचमी, हाथ जोड़ लो भैया जाओ। आपका नंबर पांच पर आता है षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष या इसको और क्या कह सकते हैं हम, संबंध तत्पुरुष समास। इसमें इस सबसे ज्यादा जो चिन्ह होते हैं वो इसी के होते हैं, बहुत बैठव होता है। इसमें आपका आता है काकी के राधी ने ना नी ने, अति धरी है इसमें नौ। अब यहां पर क्या होता है, संबंध दर्शाएगा शब्द, लेकिन बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, जैसे तुलसी दल, तुलसी दल, दल का मतलब होता है पत्ता, तुलसी का तो का चिन्ह आ गया, गंगा जल, आम्र वृक्ष, आम का पेड़ है ना। तो ऐसे शब्द कहां आते हैं, लगाव में आते हैं। कुंभ मृत्तिका, घड़े की मिट्टी किया गया, घड़े की मिट्टी। आप लोग बताएं और कोई उदाहरण याद आ रहा है कुछ, भूपति, भूमिका पति। और एक उदाहरण इसमें बहुत पूछा जाता है, इतना पूछा गया है, इतना पूछा गया है कि अब तो आयोग भी सरमाने लगा होगा पूछते पूछते। उदाहरण पता है कौन सा है, वो राजपुरुष, राजा का पुरुष, राज पुरुष। मुझे लगता है कि अब तक जितनी परीक्षाएं हुई है उनमें सबसे ज्यादा अगर तत्पुरुष का उदाहरण पूछा गया है तो राजपुरुष को पूछा गया। हद है बेशर्मी की। एक तो ये इसका राजपुरुष और आपका अव्यय भाव में यथाशक्ति, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो राजपुरुष, और देखते हैं कौन सा इसमें, करोड़पति, सेनापति, बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति। अच्छा राष्ट्रपति नहीं हो सकती है, नहीं राष्ट्र जी स्त्रीवाचक संज्ञा है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सेनापति। हाँ तो इसमें क्या है, का की ये शब्द आते हैं, बात स्पष्ट हो गई। हाँ राधी ने और नानी ने का यूज तो करते हैं, लेकिन उदाहरण आपको पता होने चाहिए। प्राय उदाहरण कौन होते हैं ऐसे, ये हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये बैग किसका है, तो आप क्या कहोगे, हमारा, हमारे जी अजय का हो गया, हम हो गया। आप जब पूछा जाए कि ये बच्चे किसके हैं, मेरे नहीं है, मेरे ये पत्नी किसकी है, ये है, मेरी है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग मेरा मेरी मेरी आदि का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। वैसे काकी के ज्यादा आता है, रारी रे नानी ने, ये हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, इसका सीधा उदाहरण प्राय नहीं होता है। हाँ जी है? आ, बिल्कुल राज्यपाल आएगा, राज्य का पाल, राज्य का पाल जाएगा। हाँ तो अब हम बात करते थे षष्ठी के बाद में सप्तमी, सप्तमी, और ये हमारा अंतिम चरण है विभक्ति के अंतर्गत। सप्तमी में क्या होता है, अधिकरण, मैं पर क्या रहता है, अधिकरण कारण रहता है, और इसका चिन्ह होता है मैं पे पर। अकाउ पे आएगा, पे बहुत कम आता है, गाना तो गाया था छत पर सोया है बहन भाई, पे नहीं कहा उसने। तो यहां पर मैं पर, ठीक। तो अच्छा पे और पर का मतलब जानते हैं, पे का मतलब होता है आधार के ऊपर, पर का मतलब आधार के ऊपर, और मैं का मतलब आधार के अंदर, नीचे ना अंदर। जैसे अगर हमने, जैसे हमने कहा ये किताब है, ठीक, तो और ये पत्र है, तो पत्र कहाँ है, ऊपर, किताब ऊपर, और अब पत्र कहाँ है, किताब में, तो पे और में अंतर समझ पाए, पर पे में। आइए बात करते हैं नीति निपुट, ए लल्ला सदी, अब डांटो कहे, अब रिकॉर्ड कर, आप लोग आ रहे हो इसका मतलब यह थोड़ा ही है कि तुम, तुम्हारी हम आरती लेकर उतारेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, आए हो तो बैठो आराम से। तो यहाँ पर हमने कहा था ना नी, और नानी ने बता रहे हैं मैं और पर,
मेट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा नीति निपुण, नीति निपुण, तो इसका मतलब क्या हो गया, नीति में निपुण, ठीक। वाक्पटु, वाक्पटु वाणी मतलब बोलने में चतुर, चतुर। पटु का मतलब होता है दक्ष या चतुर, वाक्पटु बोलने में चतुर। और क्या हो सकता है, रण कुशल, रण कुशल, रण विजय, रण विजय भी होगा, रण में विजय, रण में कुशल, मतलब यहां पर इसका मतलब यह है कि जितने चीजों में उसकी खासियत दिखाई जाए, विशेषता बताई जाए, तो वहां पर क्या होता है, कुशल शब्दों का। और इसमें बहुत प्यारे प्यारे से दो उदाहरण है, एक है आपका रसगुल्ला, क्या है रसगुल्ला, रसगुल्ला का मतलब क्या होता है, रस में डूबा, तब तो गुल्ला कि पहले दही बड़ा, दही बड़ा, दही बड़ा, बहुत सुंदर, दही बड़ा, जब दही में डूबता है तब बड़ा, बाहर रखो तो मुस्कुराता रहेगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक। हाँ, ये कहाँ रहेंगे, कौन सा समास रहेगा, सप्तमी तक, जरा इनको दिखा दो फिर एक बार मुस्कुराते हुए, तो क्या रहेगा, और क्या होगा, नरोत्तम, नरो में उत्तम, उत्तम, ठीक। हृदयागत, हृदय में, जो हृदय में आ गया, जो हमारे हृदय में आ गया, जो दिल में बसा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, ग्रह प्रवेश, ग्रह प्रवेश का मतलब होता है घर में प्रवेश कर गया, ग्रह प्रवेश। थक तो नहीं गए हो लल्ला? नो शेयर, तो ठीक है, अभी आगे चलते रहेंगे हम लोग इसी तरह से। तो एक बार फिर से बताएं हमें कि इसमें से अभी आपको कोई समस्या तो नहीं है, पक्की बात, कसम से, हाँ या ना, समस्या है नहीं, नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इनके आगे, अब ये तो हो गए हमारे विभक्ति के, हम मिटा दे रहे हैं, मिटा दो सर, अच्छा आधा मिटा दिया उसके बाद पूछा था, ये भी बहुत बड़ी खराब बात है। खैर, तो अभी अब हम बात करते हैं विभक्ति से रहित तत्पुरुष समास की, ये था आपका विभक्ति के सहित, और एक होता है विभक्ति के रहित। विभक्ति रहित जो समास होते हैं वो कौन होते हैं तत्पुरुष के अंतर्गत, बड़ा प्यारा सा एक है, नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष का मतलब क्या होता है, यहां पर नकारात्मक आ और अन उपसर्ग होता है, क्या रहेगा, आ और अन उपसर्ग रहेगा, ये कैसा होता है, नकारात्मक होता है, अगर नकारात्मक आ अन उपसर्ग होता है तो आपका नए तत्पुरुष समास रहेगा, अगर ये सकारात्मक हो जाए तो ये आपका अव्ययीभाव चला जाएगा, ये याद रखना, बहुत सावधानी से इसको समझिएगा, नकारात्मक है तो ये नए तत्पुरुष समास जी, अगर ये सकारात्मक हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, अव्ययीभाव में चला जाएगा। आओ देखते हैं, अब इसका नए तत्पुरुष समास का नाम नए क्यों पड़ा, इसको हम ना से अलग करते हैं इसलिए इसका नाम नए पड़ा है, कैसे, हमने कहा अधर्म, ठीक, अधर्म, अधर्म, अशोचनीय, अप्रत्याशित, अविश्वासी, अन्याय, चलो एक अंका लिख हाँ सर जी, अन्याय, एक ना ज्यादा युगो लग रहा है, हाँ बस सही है सर, सही है सर, अच्छा अन्याय। अब यहाँ पर क्या है, इसमें डबल ना रहेगा, हम गलत, अन्याय, अन्याय, ठीक, तो अन्याय होगा, आप इसको पढ़ पा रहे हैं, अन्याय, अन्याय नहीं कह सकते हो, अन्याय, इसको जब आप डबल कर शुद्ध वर्तनी में आपका डबल रहेगा अन्याय, ठीक। उसी तरह से अनजाना, अब इसको हम क्या करते हैं,
ना से अलग करते हैं, अधर्म ना धर्म, जिसके अंदर धर्म नहीं है, अशोचनीय ना सोचनीय, जो सोचना योग्य अविश्वसनीय या अविश्वासी ना विश्वासी, जिस पर विश्वास अन्याय, अन न्याय, जहां पर न्याय नहीं हो, ना न्याय, अन्याय ना न्याय, अनजाना ना जाना, जिसको हम जानते अब्राह्मण ना ब्राह्मण, जो ब्राह्मण समझ गए, मुझे लगता है बड़ा आसान सा था, समझ में आ गया। इसमें आ और अन उपसर्ग रहेगा, केवल आ और अन उपसर्ग, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नए, इसमें क्या रहता, आ उपसर्ग या रहता या अन उपसर्ग रहता है, जिसको हम नकारात्मक ना से अलग करते हैं, जैसे अधर्म तो हम कहेंगे इसको न धर्म, ठीक। दूसरा आ जाता है हमारा अनुक तत्पुरुष समास, क्या होता है अनुक तत्पुरुष समास, अनुक तत्पुरुष समास कहां पर होता है, युधिष्ठिर समासों के भेद समझते चलना, अनुक तत्पुरुष समास वहां पर होता है जहां विभक्तियों का लोप नहीं किया जाता है, विभक्तियों का लोप नहीं किया जाता, विभक्तियों का लोप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या यूं कह दे कि विभक्तियों का लोप करते ही नहीं है, या हम सीधे सीधे पे ही जाएं बात को, हम क्या विभक्तियां होती है नहीं बात करते, ठीक। जैसे हमने कहा युधिष्ठिर, अब एक बात बताओ, युधिष्ठिर को हम अगर अलग करें युद्ध में स्थिर करेंगे ना, तो कभी वो युद्ध में स्थिर थे, कभी युद्ध करना चाहते थे, नहीं चाहते थे, तो इसका मतलब ये युधिष्ठिर शब्द ठीक ठाक नहीं है, हमने यहाँ पर इसको उठा कर रख दिया, अनु कोई हिसाब ही नहीं है, तो गलत बात होती है ना। जथो नाम तथो विपरीत गुणा, तो विपरीत गुण के आधार पर वाचस्पति, वाचस्पति परस्मैपदी, आत्मनेपदी, आत्मने पदी, बस इतने जो उदाहरण है, इसमें सबसे ज्यादा आपका युधिष्ठिर पूछा जाता है, मनसिज एक और है उदाहरण, मनसिज, ये जो उदाहरण है ये आपके सबसे ज्यादा कहां है, जो दो पूछे जाते हैं ये मनसिज और युधिष्ठिर, ये सबसे अधिक पूछा जाता है, इन पर अधिक ध्यान देना, ठीक। ये आपका हो गया अलुक तत्पुरुष समास। एक होता है उपपद तत्पुरुष समास, क्या होता है उपपद तत्पुरुष समास, उपपद में क्या होता है, यहां पर वाला अर्थ आता है, क्या आएगा वाला अर्थ, जैसे हमने कहा कुंभकार, कुंभकार कुंभ को बनाने वाला, वार्तिककार, वार्तिक वार्तिकों को लिखने वाला, उरक पेट के बल चलने वाला, उर माने क्या होता है पेट, और ग माने गमन, पेट के बल गमन करने वाला, सर सर, ठीक। तो ये इसमें सबसे ज्यादा कौन पूछे जाते हैं, ये दो वार्तिककार और यद्यपि कुंभकार सबसे ज्यादा, इसमें युधिष्ठिर सबसे ज्यादा, बस एक एक उदाहरण याद करते चलना, मैं ज्यादा यहाँ उदाहरण नहीं आपको बहुत ज्यादा बवाल में नहीं डालना चाहता हूँ, बहुत छोटा छोटा सा, ठीक है जी सर। अच्छा कैमरा सही करना है तो पहले बताना। अब बात करते हैं आगे की, प्राण तत्पुरुष समास, बस अंतिम चरण पर पहुंच चुके हो, कोई बात नहीं, आप चेहरे का, अरे यार भावना को समझो, चेहरे का रखा है, प्राण तत्पुरुष समास, जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज समझ में आनी चाहिए आपके, थोड़ा बहुत वर्ण समझ में आने चाहिए, मेरा उद्देश्य है आप तक अपनी बात को पहुंचाना, वदित्वा भाव संप्रेषण, मेरा भाव संप्रेषित हो रहा है, मेरी क्लास अच्छी चल रही है, बस मुझे इतना मतलब है, वीडियो बन रहा है ये आप लोगों के उसके लिए कि चलो ठीक है, घर में जाकर अपना मजा कर लोगे, पढ़ लोगे, सुन लोगे, दो चार बातें आएंगी, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे मेरी मेहनत सफल हो गई। खैर बात करते हैं प्रादितक पुरुष समास की, तो प्रादितक पुरुष समास कहां पर होता है, जहां पर प्रा और प्रा उपसर्ग, हम केवल प्रा ही बताएंगे, यद्यपि एक दो उपसर्ग और भी होते हैं लेकिन छोड़ो उनको,
क्योंकि उदाहरण एक ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम कहेंगे प्रा उपसर्ग हो अगर, और विशिष्टता के लिए हो, प्रा उपसर्ग वैसे विशिष्टता के लिए होता है, तो प्रा उपसर्ग अगर विशिष्ट योग में, विशिष्ट योग में प्रयोग किया गया है तो वो प्रादि तत्पुरुष समास कहलाता है। केवल एक उदाहरण याद रखना, इसमें तुम्हारा कल्याण, वो है आपका प्राचार्य, प्राचार्य। तो प्रगत आचार्य यस्य सः प्राचार्य, जो आचार्यों में विशिष्ट होता है उसको हम प्राचार्य कहते हैं। ठीक, तो प्राचार्य शब्द आप प्रादि तत्पुरुष समास में याद रखेंगे और इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ में इतनी बात जरूर कहूंगा कि वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य हमारा ये है कि आप लोग घर बैठे आराम से रजैया में लेटे लेटे विद्या का अध्ययन कर सकें। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करना, वो वीडियो बता रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को देखना, कमेंट करना, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए।